रूप सिंह यादव आप सभी के लिए लेके आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी की तीसरी क्लास। अभी तक मेरी दो क्लास हो चुकी हैं और आज जो है हमारी तीसरी क्लास रहेगी। इसमें जो है हमारी क्लास का जो टाइटल है इंटरनेशनल जो ग्राउंड लेवल पर बाउंड्रीज है यानी स्थलीय सीमा जो है हम जो है आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी जो है इंटरनेशनल बाउंड्रीज को पढ़ने के लिए चलिए इस क्लास को जो है अपन शुरू करते हैं आज। सभी लोग आ जाइए। आज इस क्लास में जो है स्थलीय सीमा से जो भारत से 7 देश लगते हैं वो पढ़ाऊंगा मैं आपको मैपिंग के वाइज। और जो मैं हैंड रिटन आपके पीडीएफ अपने नोट्स में हैंड रिटन है डिजिटल नोट्स बनाया हूँ वो भी आप इसी पीडीएफ फाइल को अनअकैडमी चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से जो है इस क्लास को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर मेरी क्लास आपको दिख रही है और वॉइस प्रॉपर है तो एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए सभी लोग जल्दी से आ जाइए। अगर मेरी वॉइस आपको आ रही है तो सभी लोग एक बार हाय हेलो बोल दें। गुड मॉर्निंग, वॉइस आ रही है बेटा? चलिए डन, तो स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास को, आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो है मेरी क्लास में कल से सॉरी 3 तारीख से सोशल इश्यूज यानी पेपर नंबर 2 जो है मेंस के लिए अनअकैडमी पर शुरू हो रहा है। और आज से जो है एनवायरमेंट का जो है न्यू कोर्स चालू हो रहा है। इंडियन ज्योग्राफी जो है आपकी 8:30 बजे चल रही है जिसे आप क्लास को देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्लास है वो ऑलरेडी मॉर्निंग में चल रही है 7:30 बजे। एमपीजी की क्लास 10 बजे चल रही है जो आप देख सकते हैं। चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए कल अभी तक जो मैंने पढ़ाया है भारत की आकार और विस्तार को, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश क्या है ये नहीं हुआ अभी, स्थलीय सीमा तटीय सीमा नहीं हुआ। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक कर्क रेखा यानी आज जो हम पढ़ने वाले हैं स्थलीय व तटीय सीमा देखेंगे, कर्क रेखा मानक समय पड़ोसी देश एंड सीमा रेखा यानी दूसरी क्लास में जो है हम ये पढ़ने वाले हैं राइट। अब तक जो है मैं क्लास में अपनी लास्ट क्लास में इस भारत की लोकेशन एवं विस्तार समझाया था ठीक है, और मैंने हैंड रिटन नोट्स के द्वारा फिर उसका नाम कैसे पड़ा ये चीज समझाया हूँ मैं आपको अपनी फर्स्ट क्लास में। इंडिया का भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है ये अब आपको बताना है ठीक है, मैं अभी समझाऊंगा। फिर ये जो अक्षांश विस्तार है ये मैं अपनी लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ ठीक है। चलिए भारत का नॉर्थ पॉइंट साउथ पॉइंट ये आपको मैं समझा चुका हूँ अपनी पहली क्लास में, ये सेकेंड क्लास है अपनी ठीक है। अब जो तटीय लंबाई स्थलीय लंबाई से लगने वाले देश हैं उसके ऊपर जो है अपन क्लास को जो है शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है स्थलीय सीमा की बात कर लें। स्थलीय सीमा की जो लंबाई है ये है अपनी 15,200 किलोमीटर ठीक है। स्थलीय सीमा से 7 देश लगते हैं, कैसे याद रखेंगे? गुड मॉर्निंग, बचपन में एमबी किया, यहां B4 है मेरा बांग्लादेश, इसकी सीमा मैक्सिमम लगती है 4000 किलोमीटर प्लस इसकी लेंथ है जो हमसे टच हो रही है। C4 है चीन, ये आपका दूसरा। C4 है अपना पाकिस्तान, N4 नेपाल, M4
म्यांमार, बी फोर भूटान। एंड ए फोर जो है अफगानिस्तान की सीमा लगती है, क्या होगे ए फोर क्या है अफगानिस्तान की सीमा जो है टच होती है, ठीक है। चलिए तो मैक्सिमम आपकी लगने वाली बाउंड्री किसकी है, बांग्लादेश की, दूसरे नंबर पर चाइना की, मिनिमम में सबसे कम किसकी लगती है अफगानिस्तान की सीमा, सेकंड नंबर पे आता है भूटान, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पाकिस्तान के बीच जो हमारी बाउंड्री है वो कितनी है हम ये देख लेते हैं। तो पाकिस्तान की बाउंड्री कच्छ से लगी हुई है, ये पूरी बाउंड्री जो है पाकिस्तान से टच है, ठीक है। इस लाइन जो इतनी मैंने खींची रेड क्लिप लाइन बोलते थे, और रेड क्लिप लाइन जो है अगस्त 1947 को खींची गई थी, क्या रखेंगे 15 अगस्त 1947 को हमने ये लाइन खींची है। अब बेटा उस समय ये पाकिस्तान कहलाता था, बांग्लादेश जो था हिस्सा वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता, तो बांग्लादेश से जो हमारी सीमा बनती थी तो उस समय इस लाइन को जो बांग्लादेश में मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये वाली जो बेल्ट है इसे भी अपन किस नाम से जानते थे, रेड क्लिप, ठीक है। 1971 तक जब तक आजाद नहीं हो गया बांग्लादेश जब तक ये रहा। फिर जो है आगे की जो बाउंड्री है इसे अपन एलओसी पढ़ते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, सॉरी ये पीओके, फिर है आपकी एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं, यानी पीओके पाक अकीब कश्मीर और एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। तो अब देखिए ये हो गया अपना जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का ये जो भाग है पाक अकीब कश्मीर कहलाता है, ये हो गया आपका लद्दाख, ठीक है। वर्तमान में दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख दोनों ही सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अब समझिए अफगानिस्तान की सीमा जो है भारत के कौन से क्षेत्र को लग रही है अफगानिस्तानी सीमा, तो देख जो पाकिस्तान के कब्जे में है यानी पाक अधिकृत क्षेत्र में जो हिस्सा कब्जे में आ रहा है वहां तक की बाउंड्री जो है टच कर रही है। तो अफगानिस्तान की सीमा जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, क्या हो गए जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख तक जो है ये टच करती है, ठीक है। इस लाइन को जो है किसके नाम से जानते हैं, तो अफगानिस्तान और जब ये लाइन खींची गई 1896 में हमने खींची तो भारत एंड अफगानिस्तान के मध्य में है, किसके मध्य में थी उस समय, भारत और अफगानिस्तान। लेकिन वर्तमान में जो ये सीमा है आपकी, वर्तमान में ये जो लाइन है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के मध्य में ये लाइन आती है, किसके मध्य हो गए पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इन तीन राज्यों की जो है सीमा लगती है। जबकि चीन का जो हिस्सा है वर्तमान समय में प्रदेश और उत्तराखंड, तीन सिक्किम, चार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, इन चार पांच जो है चार राज्य और जो है एक केंद्र शासित प्रदेश जो है उसको ये टच कर रही है, ठीक है। तो देखिए ये जो बाउंड्री बन रही है मेरी, ये बाउंड्री जो है मैं बना रहा हूं, बेटा कलर देख लो, मैं थोड़ा ग्रीन दिखेगा इसको सही, ठीक है। ये जो बाउंड्रीज है अपनी यहां पर,
इसे अपन क्या बोलते हैं, मैक मोहन रेखा। ठीक है, क्या बोले अपन, जो चाइना के साथ बाउंड्री खींच रहे हैं अपन, मैक मोहन रेखा के नाम से जानते हैं। मैक मोहन रेखा जो थी 1914 में खींची गई, कब खींचे, 1914 में, किसके मध्य में, चीन और भारत के मध्य, चीन एंड भारत के मध्य जो है कौन सी रेखा है, नेपाल, नेपाल से लगने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं। तो देखो सिर्फ एक कोड याद कर लो, बस, बस का मतलब यहां आपका बंगाल, बिहार, यू फोर उत्तराखंड, पांच राज्य की सीमा जो है इससे टच हुई, कितने, पांच, बिहार, बंगाल, यूपी, उत्तराखंड एंड सिक्किम। चलिए फिर से मार्कर चेंज कर ले अपन, जिससे आपको क्लियर हो। अब ये जो बाउंड्री बन रही है, ये बन रही है मेरी बंगाल की, तो भूटान की सीमा जो है बंगाल तक टच करती, बंगाल ऐसे गया है, ठीक है, और ये ऐसे जो है नीचे तक विस्तारित है, तो बंगाल की बाउंड्री तो याद कैसे रखेंगे आप, साफ याद कर लो, साफ, ठीक है, एस फोर सिक्किम, ए फोर असम, एक ए फोर अरुणाचल प्रदेश, बी फोर बंगाल। म्यांमार से लगने वाले राज्य की सीमा है, चार राज्य लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड मणिपुर मिजोरम, क्या हो गए, अरुणाचल प्रदेश एक, नागालैंड दो, तीन मणिपुर, चार मिजोरम। अब आते हैं बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य, तो बांग्लादेश लगते हैं पांच, यानी कि आपकी स्थलीय सीमा से लगने वाला ये जो है हमारा सातवां देश है जो भारत की स्थलीय सीमा से लगता है। कैसे रखोगे, पाकिस्तान ऊपर, अपना अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और छठा सातवां बांग्लादेश। एक हिंदी में लाइन याद कर लो तो इसको आपको याद रखने में आसानी होगी, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, आ मित्र बगल में बैठ, आ से मतलब क्या है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, तो कितने राज्यों से लगेगी बांग्लादेश की सीमा, अपनी पांच राज्यों से, ठीक है। यहां देखो बेटा, ये रहा अपना त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा को जो है बांग्लादेश तीन ओर से घिरा हुआ है, कितनी ओर से, तीन ओर से जो है बांग्लादेश जो है घिरा हुआ है, ठीक। अब इस कारण जो है ये सीमा जो है तीन ओर से त्रिपुरा है, इसी कारण जो है इसका नाम त्रिपुरा पड़ता है, क्या हो गए, तीनों ओर से घिरा होने के कारण जो है
इस राज्य को नाम जो है त्रिपुरा पड़ा। अब देखो यही बांग्लादेश और भारत के मध्य में इस जो बेल्ट है यहां पर, ठीक है, एक आइसलैंड है जिसे हम बोलते हैं न्यू मरे द्वीप, क्या रखेंगे, न्यू मरे द्वीप के नाम से जो है इसे जानते हैं। इस आइसलैंड का जो निर्माण हुआ भोला साइक्लोन यानी भोला चक्रवात के कारण जो है इसका निर्माण हुआ। कौन सा चक्रवात के कारण? भोला चक्रवात। अगेन रिपीट कर रहा हूं, कौन सा चक्रवात? भोला चक्रवात जो था आया था देश में उसके कारण। बांग्लादेश में यहीं पर जो है अपना गंगा सागर पड़ता है, और ये अपने हिंदू धर्म में जो है काफी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। हिंदू धर्म के लोग जो है चारों धाम से ज्यादा महत्व अगर किसी पॉइंट को दिया जाता है तो वो गंगा सागर को देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चारों धाम आप कई बार चले जाओ और अगर आपने एक बार गंगा सागर गए हैं तो आपको सभी मोक्ष की जो प्राप्ति है वो आपको गंगा सागर से हो जाएगी। ठीक है, एक और चीज समझो, एक तो ये, अब सुंदरवन डेल्टा अपन जो है इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो लास्ट पॉइंट ये जरूर बताना होगा। सुंदरवन डेल्टा जो है, मैं इस पर ले लेता हूं, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, इस डेल्टे का निर्माण गंगा जो कि बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्रा जिसे हम किस नाम से जानते हैं बांग्लादेश में, जमुना के नाम से। दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा जो है मराव द्वीप है, मराव डेल्टा के नाम से जानते हैं, और ये जो है अपना अमेजन में, अमेजन नदी जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, पहली लंबाई में नील और अफवा तंत्र के आधार पर हमारी अमेजन बड़ी है। सुंदरवन डेल्टा का एक और पॉइंट याद रखना आप सभी, यहां मैक्सिमम मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, और साथ ही सुंदरी वन यहां मैक्सिमम है, साथ ही भारत का 27वें नंबर का आर्द्र भूमि क्षेत्र जो है इसे घोषित किया गया, 27 नंबर का। ठीक है, अब सुनो, यहां पर जो है विश्व की पहली जंगली टाइगर सफारी है। चलिए, तो आशा करता हूं आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कल हम यहीं से सेम 9:30 बजे मॉर्निंग में कंटिन्यू करेंगे। आपको ये क्लास कैसी आई जरूर बताएं और इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए, सभी जगह पहुंचा दो, हर गली मोहल्ले में। चलिए मिलते हैं अपन कल सेम टाइम पर।